ये दोस्तों कैसे हो, स्वागत है सुरेज क्रिएशन में। दोस्तों आज का जो एडिटिंग होगा कुछ इस टाइप का, और ये एडिटिंग है बहुत ही आसान है, और इसमें जो जो बैकग्राउंड पीएनजी लगेगा उसका भी लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, आप इजीली डाउनलोड कर सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ऑन कर ले, इसमें फायदा आपको बहुत होगा। दोस्तों चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों यहाँ पर मैं बैकग्राउंड को ओपन कर ले हूँ पिक्सर के अंदर, तो पहले जाएंगे ऐड फोटो में, हमारा मॉडल को ऐसे ऐड कर लेंगे। ऐड करने के बाद दोस्तों ऐसे अच्छे से सेट कर लेना, ठीक है, छोटा करना पड़ेगा। फिर दोस्तों ऐसे डन कर देंगे। फिर दोस्तों जाएंगे टूल्स पे, एडजस्ट पे जाएंगे, ब्राइटनेस को कम करेंगे, इरेज पे जाके ऐसे ऐसे करके शैडो दे देंगे, और इसको ओपेसिटी कम करके इस हिस्से को थोड़ा सा इरेज कर देना, और इसको ओपेसिटी थोड़ा सा कम कर देना, ठीक है, इससे आपका शैडो बन जाएगा। फिर दोस्तों टेस्ट को पीएनजी ले लेंगे, और इसको करेंगे ब्लाइंड पे जाके ऐड। ऐड करने के बाद दोस्तों ऐसे हम अच्छे से सेट कर लेंगे और डन कर देंगे। इसे जाएंगे ऐड फोटो में, पीएनजी को ऐड कर लेंगे ऐसे। ऐड करने के बाद सिंपली ऐसे सेट करके इसका जो सेचुरेशन है इसको कर देंगे हाई, फिर ऐसे डन कर देंगे। और एक पीएनजी है बटरफ्लाई की, ऐसे ऐड कर लेंगे, और इसका भी सेचुरेशन को हम हाई करेंगे, ठीक है, इसे डन कर देना। डन करने के बाद पिक्सर में एक इफेक्ट आप जरूर देना, जो इफेक्ट पे जाके थर्ड नंबर इफेक्ट को दे देना, थर्ड, हाँ, ये जो इफेक्ट है इसको कर देना ड्राकेन, और इसका कर देना, मतलब इसका जो फेड है वो 45 कर देना, ठीक है, ओके कर देना। तो दोस्तों हमारे यहाँ पर रीडिंग कंप्लीट हो गया। इफेक्ट देने के लिए सिंपली जाएंगे सिनेप्सिट ऐप के अंदर, तो ड्रॉ पे जाके इस फोटो को सेव कर लेते हैं।